उत्तराखंड चार धाम यात्रा के पहले ही दिन तीर्थ यात्री और पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर घंटों जाम में लोग फंसे रहे। दिल्ली एनसीआर और यूपी में उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की मुसीबतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। चार धाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही वीकेंड की वजह से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ उत्तराखंड में देखने मिली है। हरिद्वार में यात्रा सीजन के पहले दिन लगे घंटों तक जाम में पुलिस ने वाहनों के रुक रुक कर निकाला। एक प्लाटून पीएसी समेत 98 पुलिसकर्मियों को व्यवस्था संभालने के लिए सड़क पर उतारना पड़ा है। उधर चीला मार्ग को बंद भी किया गया है। हाईवे चौड़ीकरण के बाद भी जाम से लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई है। हालात यह है कि दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में अब केवल 3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने में भी इतना ही या इससे अधिक समय लग रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।